एक आत्मा जिसका रोल मुझे पसंद नहीं है, जो एक्टिविटी वो करता मुझे पसंद नहीं है, और मैं बैठकर उसके बारे में व्यर्थ संकल्प चलाता हूं, उसके व्यर्थ का मैं चिंतन करता हूं और अपने मन का हिस्सा बना लेता हूं। मानिए वो व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी केवल 5 थी और मेरी थी 25, बट मैंने सोच सोच कर अपनी फ्रीक्वेंसी भी 5 पर ला दी। विचार करिए, जब हम नकारात्मक सोचते हैं उस वक्त हमारा उमंग, उत्साह, शक्ति सब कहां चला जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी घट जाती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी डाउन हो चुकी है, क्योंकि हमने उस आत्मा के व्यर्थ का चिंतन किया है। हम यहां से आपसे अभी तुरंत बोलें कि नहीं, उनका नहीं, परमात्मा का चिंतन करना है, करना वो है ही, लेकिन वो 24 घंटे तो संभव नहीं है, क्योंकि रहना तो आपको आत्माओं के बीच में है, उनके साथ पार्ट बजाना है। तो ये अभ्यास भी क्यों ना अच्छे से कर लिया जाए कि वो बुरा नहीं है, वो मेरा भाई है, आत्मा है, आत्मा का नेचर प्योरिटी है, उसे ये रोल मिला हुआ है। जैसे अगर आप मूवीज देखते हो तो मूवीज में कुछ विलन, कोई हीरो, अलग अलग रोल होते हैं, है ना, आपने देखी होंगी मूवीज कभी। तो विलन में क्या, विलन जो है, जैसे मानो हमारे यहाँ पे भारत में एक विलन थे, अभी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, एक्सपायर हो गए हैं वो, उनका नाम है अमरीश पुरी साहब, अमरीश पुरी जी। तो उनके लिए कहते हैं कि वो एक अच्छे इंसान थे, बट वास्तव में आप उन्हें मूवीज में देखते अगर, तो आपको उनसे नफरत हो जाए, मूवीज देखते देखते तो उनसे नफरत हो जाती थी, इस तरह के वो मतलब विलन थे, बट वास्तव में वो एक अच्छे इंसान थे। ऐसे ही हम आत्माएं बहुत प्यारी हैं, बहुत शांत हैं, बहुत प्योर हैं, हमें रोल मिला हुआ है, कोई भी गलत नहीं है, हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। ये बात हमारे मन को बहुत शांत करती है। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते क्या होगा, मेरे मन से व्यर्थ की एनर्जी निकलनी बंद हो जाएगी, मेरे मन से नेगेटिव एनर्जी नहीं निकलेगी। फिर क्या होगा, एक्सेप्ट करते ही अब मेरे मन से प्योर एनर्जी निकल रही है उस आत्मा के लिए, और एक्चुअल में अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे परिवर्तन होने के लिए शक्ति चाहिए, प्योरिटी चाहिए, जो कि अब मैं आत्मा उसे दान कर पा रही हूं, दे पा रही हूं, उसको सहयोग दे पा रही हूं, और वो तभी संभव होगा ना, जो जैसा है उसे वैसा देख पाएंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हमें सिर्फ इतना बताती है कि जो चीज जैसी है, जो है, उसको वैसा देखने की कला सीख लेना, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। बाकी सब भ्रम है, झूठ है, मिथ्या है, कि ऐसा है, ये ऐसा, अरे ऐसे चलता कोई, ऐसे बात करता है, अरे बताओ, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, उसे सिर्फ ये रोल मिला हुआ है। जैसे वो रोल चेंज होगा, वो फट से आत्मा बदल जाएगी, आप कहेंगे अरे बताओ, मैं तो कल तक यीशु के बारे में क्या सोच रहा था, ये तो क्या से क्या बन गया, कहां पहुंच गया, पर आज हम उसे ऐसे देख रहे हैं गर्दन झुका के नीचे, आज हम उसके सामने इतने से हैं, अपना कद हमें बहुत छोटा दिख रहा है उसके सामने। रोल बदलने में टाइम नहीं लगता, सीन कब बदल जाए, डायरेक्टर कब बदल दे, पता नहीं पड़ता। स्वीकार करिए, मैं इस ड्रामे का हीरो एक्टर हूं, हीरो, और हीरो की एक अपनी अदा होती है ना। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सभी को, पूरे विश्व में हर एक को अपना समझा जाए। रिलेशनशिप बेहतरीन की जाए तो ये ना कि बेहद में करें, सिर्फ मेरा एक बच्चा, मेरे दो बच्चे, अच्छा ये खुश रहें, इनकी जॉब लग जाए बस, ये स्वस्थ रहें बस, बाकी दुनिया जाए इधर से उधर, नहीं, ये हमें कभी खुशी नहीं दे सकता,
कभी नहीं। हम ये क्यों ना सोचे कि हर एक आत्मा खुश रहे, हर एक आत्मा शांत रहे। अगर मान लो उदाहरण के तौर पर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं इतना सोचती बस मेरे बच्चे खुश रहें बस, ओके, बाकी के बच्चों को जैसे कोरोना चल रहा है चलो वो हो जाए पर मेरे को ना हो। तो जब उनको हो गया है और आपके बच्चों को नहीं हुआ है तो पहली बात तो आपके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे, नुकसान तो ये हो गया। और अगर उनको हुआ है तो हमारे बच्चे भी किसी भी वे में प्रोटेक्ट नहीं रह सकते हैं, ना वो खेल सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, वैसे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सोच रखें तो बेहद की रखें ना फिर, कि सब खुश रहें, सब मेरे ही हैं, सब अपने ही हैं, मैं सबको दिल से स्वीकार करती हूं। एक ही अभ्यास संतुष्टि देता है, मन को शांत करता है ये अभ्यास। ये सृष्टि देखेंगे हमारे साथ, ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस पर हम सभी आत्माएं अपने देह रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर पाठ बजा रही है। सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें किसी भी कलाकार का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष हैं। उस व्यक्ति को सामने लाइए जिससे संस्कार टकराव होता हो, देखें उन्हें, उनकी देह रूपी कार को ना देख, उस कार के अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसको देखिए, बड़ा प्यारा, बेहद शांत, शीतल, प्योर। एक्चुअल में मेरा रिश्ता तो उससे है जो अंदर बैठा है, वो है मेरा भाई। मैं आज तक इस देह रूपी कपड़े को देखकर क्या क्या सोचती रहती थी, मुझे अपनी सोच पर ही जैसे हंसी आ रही है। मेरा संबंध तो बैठे उस सितारे से है जो अंदर बैठा है, जो बहुत प्योर है। जो मेरा अपना भाई है, हैंडशेक करें, गले मिलें, हम दोनों भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं। आपका जो भी रोल हो, हस्बैंड वाइफ का रोल हो, माँ बेटे का रोल हो, ये रोल है। रोल कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करना है, समाधान यही है, वरना कोई भी समाधान परमानेंट नहीं है रिश्ते ठीक करने का। हम आपको 2-3 टेक्निक बता दें, भाई आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, वो 1-2 दिन चलती है बस, लेकिन ये परमानेंट चलती है।
घर में रहिए, माँ है, मेरी माँ का रोल अदा कर रही है ये बहुत प्यारी आत्मा, ये भी ईश्वर की संतान है, मैं भी ईश्वर की संतान हूं। जैसे ईश्वर पवित्रता के सागर है, ये आत्मा भी बहुत प्योर है और मैं आत्मा भी बहुत प्योर हूं। घर मंदिर बन जाएगा।